Hey guys, welcome back to the new vlog. तो कल हम जो मार्केट गए थे गिफ्ट ले जाने के लिए वो हम लेके आए ही नहीं हैं, और लेके आए नहीं थे आपको पता ही है, कुछ मिला ही नहीं ढंग का। अभी जाएंगे, बट अभी बस सुबह सुबह क्या है, आज नवमी है तो सबसे पहले हमारे सोसाइटी में हो रहा है भंडारा। रात को जो हमने भंडारा सबसे पहले खाएंगे भंडारा, फिर करेंगे दिन की शुरुआत। नहा लिया और तैयार होके जा रहे हैं भंडारा खाने, पूरे नवरात्रि में सात सुबह नहाया लड़का। अभी हम जाएंगे भंडारा खाने भी, नाश्ता हमें को तो सबसे अच्छी चीज़ लगती है, नाश्ता हमें तो नहीं बनाना पड़ता, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जाएंगे मार्केट गिफ्ट लेने के लिए, उसके बाद जिनके घर जाना है उनके घर जाएंगे, बहुत ज़्यादा उसके बाद फिर शॉपिंग के लिए जाएंगे। ऑक्यूपाइड है हम, ऑक्यूपाइड है। चलो, और मैं तो बी पे आ गई, तो हमको तो ऊपर जाना ना, ऊपर गाड़ी लेके चलोगे, ठीक है। खाना था भंडारा का मजेदार, हलवा खा लिया मैंने दो बार, पेट हो गया फुल। आवाज़ है, नींद नहीं आ रही आज, नींद का टाइम नहीं है। अभी हम जा रहे हैं मार्केट कुछ लेने के लिए, उसके बाद आएंगे, फिर रेडी होएंगे, फिर उनके घर जाएंगे, फिर दोबारा रेडी होएंगे, फिर दोबारा मार्केट आना है। आज ही कह रहे सो रहा है, सोने का टाइम नहीं है। देखते हैं यार, फ्रेंड के घर जाना है, उसके मकान का मतलब गृह प्रवेश टाइप है, तो कुछ लाते हैं गिफ्ट। कल भी गए थे, कुछ पसंद नहीं आया, समझ नहीं आता किसी को, जब देना होता है ना तब समझ नहीं आता क्या देना है, और कोई हमें दे जाए ना फिर हम कहते हैं यार ये क्यों दे दिया, ये देना चाहिए था। अपने टाइम देने की बारी आ रही है यार, क्या दे यार, क्या दे यार। ये डाल ले और क्या। लोगों को पता चले। तो अभी हमने गाड़ी खड़ी कर दी और अभी हम और जा रहे हैं, हम पैदल पैदल जा रहे हैं क्योंकि हमें खाना खत्म करना है और हमें उनके घर जाके भी खाना है। हाँ, और दूसरी असलियत बात ये है कि हम यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं मॉल के साथ वाले इसमें, क्योंकि इसमें नीचे पार्किंग फ्री है भाई, 60 रुपए बचते हैं वीकेंड में, 60 रुपए लगते हैं पार्किंग के, और आज दो बार ही आना तो 120 रुपए बचा लिए। तो 10 कदम भी ये रहा यही तो जाना है। मैं सोच रहा था घर से ही पैदल आ जाते, पेट्रोल भी बचता। इतना भी नहीं, इसका कवर लेने आई हूँ, मेरा खराब हो गया था जो इसका कवर, ये वाला, ये नीचे वाला, ये वाला, एक वो शीशे में आता है, यही वाला ही तो है, ये ऊपर वाले दिखा दो यार, दिखाना, निकाल देना भैया प्लीज। आईफोन 11, अच्छा ये तो उसका है 12 का, हमें बताओ तो हम खोल लेते हैं। हाँ बताओ, ले ले। नहीं नहीं ये मेरे को ऐसे पसंद नहीं है। ये रेट बढ़ा देता है क्या, चढ़ा के देख रही थी तो मैं, मेरी ना पैक करा के मैंने कब ब्लॉग दिखाऊंगा, मैं कभी दिखाती हूँ कि मैंने ग्रे वाले कवर लिए, और मुझे मुझे ना इसका टेम्पर भी टूटा हुआ है, इसलिए ब्लॉग बना रही थी तो मैं पहले ये चढ़ा देती हूँ। और मैं ये हर महीने कवर लेना, हर महीने, अरे गंदा हो गया ना, वो हर महीने गंदा होता है, आगे से फोड़ देती है, कभी स्क्रीन गार्ड, कभी बैक कवर, इतना मोबाइल का खर्चा नहीं, इतना सिर्फ गार्ड होगा, इसका कवर होगा खर्चा, मैं तो इससे बहुत दुखी हूँ, और फिर मैं पे करता रहता हूँ, हो गया। क्या ये नहीं अच्छा लगेगा, ये बुद्धा कितने अच्छे लग रहे हैं, आई लाइक दिस वन, पेंटिंग देख लेते हैं, नहीं तो ये वाले, ये वो जो वो है वो देख लेते हैं, कौन सी वाली स्टाइल होता है, इसमें अंदर और भी कर दिखाओ, ये बाहर रख दोगे, घर के अंदर नहीं आएगा, घर के अंदर इसको उठा के ले आएगा, सही लग रहा है, बाहर छूट गया था। हाँ ये तुम वहाँ पे भी कह रहे थे ना, ये अच्छा लग रहा है, देख लो फिर क्या लेना, एक काम करो या तो पेंटिंग ले लो या ये ले लो।
तो जो हमने तो ये पूरी शॉप जो मैंने पहले भी आपको व्लॉग में दिखाई थी मॉल के नीचे, बहुत अच्छी शॉप है। और जो मैंने गिफ्ट लिया वो मैं दिखा रही थी, भैया पैक करे तो साइड पे गिरा रही थी, ये पेंटिंग जो है ये मैंने लिया है और सच में बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। प्लस फिनिशिंग इतनी प्यारी है ना चीज़ों की, बहुत प्यारी शॉप है खामगा मार्केट में, भैया यहीं से ही बहुत प्यारा है। और ये देखो ये कितना प्यारा है फाइबर का, इतनी प्यारी फिनिशिंग है ना बुद्धा जी की, मैंने तो बोला है ले लो लेकिन हमारे घर में एक रखे हैं, बट बहुत ही प्यारे है, फिनिशिंग इतनी प्यारी है ना और चीज़ें इतनी प्यारी है, इतने रिजनेबल रेट है ना, वो भी गिफ्ट आइटम बहुत अच्छा। आ गया पैक होके, आ गया, देते हुए भी अच्छा लगेगा। पेटीएम करो पेटीएम। यार ये वाले बुद्धा इतने प्यारे लग रहे हैं ना, इतने क्लासिक लगेंगे, जैसे घर में एंटर करते हैं हमारा शू रैक रखा ना उसको हटाओ ये लगाओ, इतने पॉजिटिव वाइब्स देंगे ना, और ये वाले इतने प्यारे लगेंगे, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी घर में पूरा। चलो आई, चलो चलो चलो, ओके थैंक यू, चलो चलो। भाई मुझे तो बहुत अच्छी शॉप लगी है, मतलब मैं बार बार ठीक है इस बात को बोल रही हूँ बट मैं सच में बोल रही हूँ कि मैं जितना मार्केट्स में घूम के आई हूँ ना मुझे यहाँ पे इतनी अच्छी शॉप लगी है। जब मैं पहली बार आई थी ना मैंने बुद्धास देखे थे, इनके प्राइस देखे थे, मैंने कहा यार रीजनेबल शॉप। यार एक तो ऑप्शन इतने हैं और दूसरा मेरे को मुँह मत दिखा मेरा, हाँ मैं दिखा रहा हूँ, एक तो प्राइस ऑप्शन इतने और प्राइस इतने रीजनेबल है और डिस्काउंट ऑफर देते हैं यार, क्या कहते हैं कंसेशन, हाँ 10% ऑफ है। शॉप कहाँ पे है फिर हम लोगों को बताएंगे ये शॉप कहाँ पे है, लोग डिस्काउंट कैसे कराएंगे बताओ। गौर सिटी मॉल में नीचे है, बेसमेंट में, बेसमेंट में। यार जिसको भी गिफ्ट लेना है अपने घर के लिए, होम डेकोरेशन है किसी को गिफ्ट देना है, इससे बेस्ट शॉप है ही नहीं, बता रहा हूँ। ऐसे देख के भी लगेगा लोगों को, दो दो जने पकड़ रहे हैं पता नहीं ऐसा क्या लेके जा रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने ले लिया है गिफ्ट, पैक करा लिए, सब हो गया, अब जा रहे हैं घर, अब घर जाके रेडी हुए करेंगे। और ये हम उसी जगह से निकल रहे हैं जहाँ हमारी वो गाड़ी फंसी थी, तो मैंने पहले ही बोल दिया अब ध्यान से निकलना, ऐसे बड़ा बड़ा वाला काट के, यही था वो, यही 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 था वो जहाँ फंसी थी गाड़ी। अभी नहीं गया ना, चलो यार बहुत लेट हो रहा है, चल रहे हैं, जूती नहीं मिल रही। अरे जूती छोड़ो यार वहाँ, ऐसे ही उतार के बैठ जाऊँ क्या? अरे तो चप्पल पहन लो, नहीं मुझे इसके साथ जूती डालनी है। दिखा रहा क्या पहनना, चल ठीक है मेरे से कम सही लग रहा है। चाय मेरी जूती का है, वाह वाह आज तो बस बस, कितना भी सुंदर नहीं लगना। ठीक है तो मैं रेडी हो गई हूँ वहां जाने के लिए, अब हम लोग बस तैयार हो गया। बड़े टाइम से मुझे ये वाला दुपट्टा डालने का मन कर रहा था, ये वाला कॉम्बिनेशन, तो मैंने सोचा आज मैं ये डाली हूँ। और मैंने ये वाले इयररिंग्स डाले हैं जो मैं वहां से लाई थी। कहां से? वहां से। कहां से? अरे तो गई थी दरिहाट, वहां से लाई थी। तो कोविड के बाद बड़े दिनों बाद ऐसे जा रहे हैं ना किसी के घर, मुझे भी दिखा सकते, मैं भी अच्छा लग रहा हूँ। हाँ ये डाले इसमें, अच्छा हमने जहाँ जाना है वो वाला टावर है, वो वाला। वैसे हम घर से ऐसे ही उठ के जा सकते थे पर हमने सोचा नहीं, थोड़ा तैयार होके जाते हैं। उठ के ऐसे ऐसे जैसे जा रहे हैं। ये दिन तक घर हमने तो प्यारा ऊपर मंदिर बनाया है, बड़ा सुंदर लग रहा है। चलो चलते हैं अंदर। तो अभी हम लोग जो है इनके घर आ गए, इनका हवन चल रहा है, वो बोल रहे बड़ी लेट आए हो, खुद ने तो हवन अभी स्टार्ट किया है।
3+1 है, 3 BHK और अभी 1+1 इसको बोलते हैं। तो ये इनका ये है, साइड में इनका यहाँ पे वॉशरूम है, बट इन्होंने वॉशरूम की जगह ना, रुको मैं वॉशरूम की जगह इन्होंने सारा हटवा के ये कैबिनेट्स बनवा दिए। इनका जब आएंगे ना बाद में तब इनका पूरा घर दिखाऊंगी, बट अभी नहीं दिखा सकते, अभी सब लोग हैं ना बाहर, तो उन्होंने इसको यहाँ पे स्टडी रूम बना दिया और हम उन्हीं को जानते हैं और किसी को जानते। तो अभी हम लोग आ गए हैं वहाँ से खाना वाना खा के, एंड बहुत ही अच्छा था वहाँ पे जो भी प्रोग्राम था। फिर कभी उनके घर की वीडियो बनाएंगे और अभी हम सोच रहे हैं कि 1-1.5 घंटा थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर उसके बाद जाएंगे शॉपिंग करने। उठ गए हैं वहाँ से, मैंने बोला था ब्रेक लेने के लिए 5 बजे जाना था, उस टाइम 3:30 बजे थी शायद, 5 बजे जाना था और हम 7 बजे उठे हैं। भाई दोपहर की नींद ना आधी होती है, अभी भी 7 बजे हिम्मत करके उठना पड़ा कि भाई उठो, जाना है जाना है जाना है। तो अभी हम लोग वापस तैयार हो गए और हम लोग जा रहे हैं, अब अभी हम फटाफट बस निकलते हैं और जाते हैं, देखते हैं क्या लेके आते हैं। हाँ तरबूज नहीं, अच्छा नहीं है ये, कोई टेस्ट नहीं है इसमें, मुझे तो लग रहा है फेंकना पड़ेगा, खाया भी नहीं जा रहा। 7 बजे उठ के आई हूँ अभी फिलहाल के लिए, हम आए हैं वेस्ट साइड के ऊपर और मैं इतनी उसमें हूँ कि मुझे अर्जेंट कपड़े चाहिए और मैं ये हूँ कि मैं कपड़े इतनी ईजिली सिलेक्ट नहीं कर पाती, वैसे तो कुछ भी नहीं सिलेक्ट कर पाती, तो मुझे अब डाउट हो रहा है कि मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पसंद करेगा कुछ ले लोगी आज? आ रही हूँ मुझे नहीं लगेगा, अच्छे नहीं लगेगा पेयर, तो पेयर अच्छा लगेगा, पता कितना तो ले लेना पहन के दे, लेकिन गर्मियों में पहनेगी पजामा, अब ये 2 घंटे लगा के वेस्ट साइड में हम लोग आ गए हैं। थोड़े बहुत 2-3 ना टी शर्ट्स टाइप लिए हैं क्योंकि टॉप की ना फिटिंग सही नहीं आ रही थी, तो वो मैंने ली नहीं, तो अभी फिलहाल के लिए मुझे 2-3 टी शर्ट्स मिल गई हैं। और क्या टॉप ही है बट ठीक है। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे मार्केट में कुछ खाने के लिए, क्योंकि वो सौरभ खाएगा क्योंकि पूरे 7 फास्ट किए हैं, तो बनता है कुछ खाना बनता ही है। और यहाँ पे हमने किसी को बोला था कि ये इसका एप्पल का कनेक्टर चाहिए, वो वाला 3.5 mm वाला, तो देखते हैं अगर वो लेके आया है तो, मुझे बहुत ज़रूरत है उसकी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वॉइस क्लियरिटी के लिए। तो अभी ये वाली शॉप पे जिसको हमने बोल के गए थे कि ये माइक के लिए, वो भी आया नहीं है, माइक बोल रहा है कल आएगा, अभी उसको इतना ज़्यादा ज़ोर लगाया कि भाई दे दियो कल अगर आ जाए तो, बाकी नहीं तो फिर पता नहीं। मैं गई बहुत सारी जगह देखी है पर मिला नहीं। क्या मोमो से खोलने वाला ये एगलेस है ना? सर मैं नहीं देखा, एगलेस है ना, मतलब एग है इसमें? मैं नहीं था। पूछो एगलेस है क्या? नाइस, बड़े दिनों बाद अब तुम ये खा रहे हो, मतलब कि तुम नवरात्रे रख के पूरा खा रहे हो, तुमको हाउ यू आर फीलिंग? टेस्टी, अच्छा लग रहा है खाने के बाद, मतलब 7 दिन के व्रत के बाद, इसलिए मैं रखती ही नहीं खाना, एंजॉय करो। टेस्टी है, ठीक है खा लेते हैं। तो हम लोग आ गए थोड़ा बहुत खाना पीना खा के और कपड़े लेके, कपड़े मैं बाप को बाद में दिखाऊंगी कि मैं क्या लेके आई हूँ। बाकी 2 घंटे मतलब दो से ऊपर ही हो गए होंगे वहाँ पे घूमते घूमते, और इतना ज़्यादा पैर में इतना दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पैर में। और वैसे व्लॉग बना रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ कि पैर में दर्द हो रहा था, नहीं तो ऐसे बोलना चाहिए मुझे, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, हालत पूरी टाइट है, बट ठीक है लेना था, ज़रूरी था कुछ तो वो ले लिया। हाँ भाई साहब और भी क्या ठीक हो? चलो ठीक है। तो अभी डिनर का टाइम हो रहा है, डिनर करते हैं और बस व्लॉग को यही एंड करते हैं। मैं भी बनाओ चाय, बना दो बना दो ना यार। मैंने कल बनाई थी, क्या आज तुम बनाओगी? तो कल बनाई थी तो क्या हो गया, खाना कल नहीं खाया था क्या? चलो जी ठीक है, अभी करते हैं डिनर और मिलते हैं आपसे अगले दूसरे ब्लॉग में। और एक बहुत ही अच्छा आगे आने वाले में ना सुप्रीज भी है, सुप्रीज, तो स्टे ट्यून्ड एट वाद वास ब्लॉग। सुप्रीज मैं बाद में बताऊंगी, पता है मैं सुप्रीज क्यों बोलूँ? क्योंकि मैं अटक गई, क्योंकि मैं कर भी नहीं हूँ, ऐसा नहीं दिखाना मुझे,
तो मैं सुप्रीज पता क्यों बोलूँ, क्योंकि मैं टर्किश सीरीज देख रही हूँ ना, टर्की में सरप्राइज को सुप्रीज बोलते हैं, तो बहुत ही बड़ा सुप्रीज है। नहीं हाँ मैं टर्किश सिखा रही हूँ तो सुप्रीज है। तो ठीक है आप आदमी लोग पे बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिए एंड चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो, नहीं चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है बाय।